Hello students, welcome to Azuet Education Anytime. In this video we will solve exercise 4.2. Question 1 से शुरुआत करते हैं. Which one of the following option is true and why? तो हमने इसमें बताना है कि कौन सा option सही है और क्यों है. तो यहाँ पर देखेगा कोई equation दिया हुआ है. Y is equal to 3x plus 5 has. तो और option दिए हुए हैं. Unique solution, only two solution, infinite many solutions. तो हमने ये answer बताना है कि इसके इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं. तीन ऑप्शन हमें दिए गए हैं. क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्या टू सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशन के, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे. तो पिछली वीडियो में हमने बिल्कुल एक्सप्लेन किया हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर. कोई भी देखेगा, अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन शो करती है. इट रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन. अगर इस इक्वेशन का हम ग्राफ प्लॉट करें कार्टेशियन प्लेन पर, तो ये हमेशा इक्वेशन जो होगी वो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी. इससे हम स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. सो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बन के आएगी अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें. सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेट लाइन. और देखेगा अगर ये इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन इस फॉर्म में है, क्या है कि देखेगा ये इक्वेशन दिया हुआ है हमें वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5, और हम कह सकते हैं कि 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. 0 नहीं, वाई, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई. और अगर हम वाई को चेंज करेंगे तो साइड चेंज करने से नेगेटिव हो जाएगा 3x. इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अब ये इक्वेशन हमारी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ गई. तो डेफिनेटली ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी. ये देखेगा कार्टेशियन प्लेन हमने शो कर दिया, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश. अभी हम एक वैसे ही हम स्ट्रेट लाइन शो कर देते हैं. तो ये सपोज ये स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, ये इक्वेशन कौन सी है हमारी, 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ये मैंने ऐसे ही आइडिया से खींच दिया है, ये एग्जैक्ट नहीं आएगा. ये जो एग्जैक्ट ड्रॉ करने के लिए इसका ग्राफ, तो हम पॉइंट्स वगैरह लेके करेंगे. ये हम आपको अगली वीडियोज में इनको दिखाएंगे कैसे ग्राफ को प्लॉट करते हैं. लेकिन ये डेफिनेटली एक स्ट्रेट लाइन शो करेगी, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन के आएगा. और अगर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन के आएगा तो हमें ये भी पता है कि एवरी पॉइंट ऑन दिस स्ट्रेट लाइन विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, जो कि इक्वेशन दिया हुआ है. तो इसका मतलब क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन पर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं. तो इसका मतलब क्या होगा, अगर पॉइंट इनफाइनाइट हैं तो इसके सॉल्यूशंस भी इनफाइनाइट होंगे. तो हमारा आंसर कौन सा सही है, आंसर थर्ड आंसर विल बी द करेक्ट ऑप्शन. तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 या कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है जो कि ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में है, उसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे. अब क्वेश्चन 2 करते हैं. राइट फोर सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. हमें यहाँ पर तीन हमें पार्ट दिए हुए हैं, इसके थ्री पार्ट्स आर गिवन. हमने सभी इक्वेशन के चार चार सॉल्यूशन हमने बताने हैं. तो स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं. ये टेबल हमने यहाँ पर बना लिया पार्ट वन के लिए. सो पार्ट वन के टेबल में हमने एंट्रीज क्या क्या देनी है, ये एंट्रीज मैं बता देता हूँ आपको. पहली एंट्री तो ले लेते हैं x की, दूसरी एंट्री y की ले लेते हैं, और नीचे लिख लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा. सॉल्यूशन का, क्योंकि फोर हमने सॉल्यूशंस बताने हैं तो इसके फोर कॉलम्स हम बना लेते हैं. एक कॉलम और बना लेते हैं, चलिएगा बड़ा बड़ा अच्छा लगेगा देखने में, क्लियर हो जाएगा. तो क्योंकि सॉल्यूशन, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि ईच पॉइंट, सभी पॉइंट्स जो होंगे वो सॉल्यूशन होंगे. तो पॉइंट का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट. अब इक्वेशन क्या है हमारी, 2x प्लस y इज इक्वल टू 7, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम. अब इसमें हम कोई भी x की वैल्यू रखें, सपोज हमने x 0 रख लिया. अब आप x 0 रखिए, x 0 रखा हमने तो देखेगा कहीं ये इक्वेशन को हम क्या कह सकते हैं, 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 7. 2 इंटू 0 तो 0 हो गया,
y की वैल्यू 7 आ गई, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, y 7 आ गया। अगर इसी तरह से x को 1 रखेंगे तो यहाँ पर देखेगा 2, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, 2 into 1 plus y is equal to 7, 2 into 1 तो 2 होता है, और y की वैल्यू क्या आ जाती है, 7 minus 2 means y आ जाता है 5। अब y 5 आ गया, इसको हम टेबल में रख लेते हैं 1 के लिए 5। ऐसे ही हम x को 2 रख के देखते हैं, 2 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिएगा यहाँ हम लिख लेते हैं यानी 2 into 2 plus y is equal to 7। आप 2 into 2 तो 4 होता है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 minus 4, तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाती है 7 minus 4 means 3, so y is 3, यहाँ पर 3 लिख लेते हैं हम। इसी तरह से x की वैल्यू अगर हम 4 रखेंगे तो हम इस इक्वेशन में फिर से 2 into 4 plus y is equal to 7, इससे हमें y क्या मिलेगा, y is equal to 7 minus 8, क्योंकि 2 into 4 हमने 8 लिख लिया, 8 को साइड चेंज करेंगे नेगेटिव हो जाएगा, so y is equal to 7 minus 8 minus 1। ओके, सो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होंगे, सॉल्यूशन मैंने बताया आपको, कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विल बी x कॉमा y, x कोऑर्डिनेट कॉमा y कोऑर्डिनेट, तो सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन होगा 0,7। अब 0,7 का मतलब तो आप जानते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7, और दूसरा सॉल्यूशन होगा देखिएगा 1,5, तीसरा सॉल्यूशन होगा 2,3, इसी तरह से फोर्थ सॉल्यूशन होगा 4,-1। अब हम क्वेश्चन 2 का पार्ट करेंगे, यहाँ पर पार्ट 2 में इक्वेशन दिया हुआ है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर बच्चों पहले की तरह ही हम करने वाले हैं, एक टेबल बना लेते हैं, और टेबल में आपको पता है कि हम कॉलम कितने लेने वाले हैं, कॉलम हम 4 लेने वाले हैं, 1, 2, 3 एंड 4, और रो हमने 3 लेनी है। रो 3 क्यों लेंगे, क्योंकि हमने एक रो में x लिखना है, एक में y लिखना है, और एक में हमें सॉल्यूशन लिख लेना है जो कि x कॉमा y होगा, x पॉइंट सॉल्यूशन होगा, यानी पॉइंट क्या है, x कॉमा x कोऑर्डिनेट कॉमा y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर देखिएगा इक्वेशन हमारी क्या है, पाई x प्लस y इज इक्वल टू 9। अब हम x की वैल्यू रखते जाएंगे, हमें y की वैल्यू मिलता चला जाएगा। अब हम यहाँ पर x 0 रखेंगे, x 1 रखेंगे, x 2 रखेंगे और x 3 रखेंगे। तो x 0, 1, 2, 3 रखेंगे तो हमें डेफिनेटली इस इक्वेशन से y की वैल्यू मिलने वाली है। तो x पहले x 0 रख लेते हैं, सो पाई इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 9, इससे हमें y की वैल्यू क्या आ जाती है, 9 आ जाती है, क्योंकि पाई इंटू 0 0 हो जाता है, सो हम y की वैल्यू यहाँ पर 9 रख लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू देखेगा 1 रखेंगे तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो जाता है, इससे हम कह पाते हैं कि y की वैल्यू क्या जाती है, पाई इंटू 1 तो पाई हो गया, पाई प्लस वाई इज 9, सो y की वैल्यू हो जाती है 9 माइनस पाई। सो यहाँ पर y की वैल्यू रख लेते हैं हम x की वैल्यू 1 के लिए, इट इज 9 माइनस पाई। इसी तरह से x की वैल्यू 2, तो इक्वेशन में रख के देखते हैं, पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस वाई इज 9, और इससे हम कह पाएंगे कि y की वैल्यू विल बी 9 माइनस 2 पाई, यहाँ पर हम 9 माइनस 2 पाई लिख लेते हैं। इसी तरह से x की वैल्यू 3 रख लेते हैं, सो पाई इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो इससे हम कह पाते हैं कि y की वैल्यू कितनी आ जाती है, 9 माइनस 3 पाई आ जाती है। तो यहाँ पर 3 के लिए हम 9 माइनस 3 पाई लिख लेते हैं यहाँ पर। अब सॉल्यूशन क्या होंगे, देखिएगा सॉल्यूशन लिख लेते हैं, 0,9 होगा एक सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन 1,9 माइनस पाई हो सकता है, तीसरा सॉल्यूशन 2,9 माइनस 2 पाई हो सकता है, और फोर्थ सॉल्यूशन हो सकता है 9 माइनस 3 पाई हो सकता है। सो इस तरह से हमने इसके चार सॉल्यूशन पूछे थे और चार सॉल्यूशन हमने, फोर्थ सॉल्यूशन का आंसर हमने दे दिया। अब हम पार्ट 3 करेंगे, सो इसी तरह से पार्ट 3 के लिए भी हम टेबल बना लेते हैं, यहाँ पर टेबल साइड में, यहाँ पर हम पार्ट 3 के लिए पार्ट 3 के साइड में ही बना लेते हैं, और यहाँ पर कितने रोज बनेंगी, 3 रोज बनेंगी, देखेगा 3 रोज बना लेते हैं और 4 कॉलम्स बना लेते हैं, 4 नहीं 5 कॉलम्स बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। पहले कॉलम में x लिखेंगे, दूसरे कॉलम में y लिखेंगे, और यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन। अब x हम रखेंगे, y की वैल्यू मिलता चला जाएगा हमें, तो x रखेंगे 0, 1, 2 एंड 3 रखेंगे।
अब यहाँ पर देखेगा इक्वेशन हमें दी हुई है, थोड़ा सा इक्वेशन को हमें चेंज करना पड़ेगा। अब इक्वेशन तो हमें दिया हुआ है x इक्वल टू 4y, और हम देखेगा इसको y के टर्म्स में इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं, अगर इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड करते हैं तो एक्स वाई 4 इक्वल टू 4 वाई क्या आ जाता है 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब इस इक्वेशन को अगर हम पलट के लिख दें तो हमें y क्या मिल जाता है, एक्स वाई 4। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब हम x की वैल्यू रखते चले जाएंगे, y की वैल्यू मिलती चली जाएगी, और देखेगा x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y 0 y 4, तो 0 y 4 मींस 0, x की वैल्यू 1 रखेंगे y की वैल्यू 1 y 4 आ जाती है, x की वैल्यू 2 रखेंगे y की वैल्यू 2 y 4 आ जाती है, और 2 y 4 तो 2 से कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मींस ये आ जाती है 1 y 2, और x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाती है 3 y 4। तो सॉल्यूशन क्या क्या हो गए, पहला सॉल्यूशन हो गया 0 0, दूसरा सॉल्यूशन हो गया 1 कॉमा 1 y 4, तीसरा सॉल्यूशन हो गया 2 कॉमा 1 y 2, और फोर्थ सॉल्यूशन हो गया 3 कॉमा 3 y 4। तो इस तरह से आपको ये सॉल्यूशंस मिलते चले जाएंगे, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं किसी भी लाइन के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक लाइन रिप्रेजेंट करता है, और लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए। ये क्वेश्चन 1 में पूछा गया था, आपने प्रैक्टिकली इसको मैथमेटिकली देख भी लिया। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन 3 करेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। यहाँ पर हमने ये देखना है कि ये क्वेश्चन हमें दी हुई है कि इसमें कौन सा सॉल्यूशन होगा कौन सा सॉल्यूशन नहीं होगा। तो पार्ट 1 में दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है x 0.2, तो 0.2 का मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2। अब हम x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 इस इक्वेशन में रख के देखेंगे, अगर ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो ये सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम x और y की वैल्यू रखेंगे सभी पार्ट से, पार्ट 2 में, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में x और y की वैल्यूज दी हुई है, और अगर इन x और y की वैल्यूज के लिए हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज वो पॉइंट सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन हमारी क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब पार्ट 1 करते हैं, पहले पार्ट 1 में पॉइंट दिया हुआ है 0.2, तो इसका मतलब क्या है कि x इज 0 एंड हमने y इज इक्वल टू 2 रख के चेक करना है। सो पुट x इज 0 एंड y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, इसको हम 1 मान लेते हैं, इन इक्वेशन 1 जो कि हमारी एक्सरसाइज की इक्वेशन है जो दी हुई है। अब x 0 रख के देखते हैं, 0 माइनस 2 इंटू y इज 2 इज इक्वल टू 4, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं तो ये आ जाता है माइनस 4 इज 4, और माइनस 4 तो 4 के बराबर कभी हो ही नहीं सकता। तो अगर ये ऐसा नहीं है, एन इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हम कहेंगे 0.2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब इसी तरह से हम पार्ट 2 करने वाले हैं, पार्ट 2 में पॉइंट दिया हुआ है, देखिएगा पुट पॉइंट दिया हुआ है x इज 2 एंड y इज 0 इन इक्वेशन 1, तो रख के देख लेते हैं, x को 2 रखते हैं, 2 माइनस 2 इंटू y 0 रखना है इज 4, तो 2 देखिएगा 2 माइनस 2 इंटू 0 तो ये इक्वेशन हो जाती है 2 माइनस 0 इज 4, मतलब ये आ गए 2 इज इक्वल टू 4, 2 इज इक्वल टू 4 तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, 2 इज इक्वल टू 4 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। सो हम लिखेंगे यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ कि 2.0 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब पार्ट 3 करते हैं, पार्ट 3 में देखेगा 4.0 पॉइंट दिया हुआ है, तो पुट x इज 0 एंड y इज x इज 4, ये गलती से लिख दिया हमने, पुट x इज 4 एंड y इज 0 इन इक्वेशन 1,
अब इक्वेशन वन तो बॉक्स में हमने लिखी हुई है यहाँ पर, तो x की वैल्यू 4 रख देते हैं, y की वैल्यू 0 रख देते हैं, सो 4 माइनस 2 इंटू 0 इज 4। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, सो 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। ये तो यहाँ पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, सो 4 इज इक्वल टू 4। दिस मीन्स अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो इस कहने का मतलब यह है कि 4,0 यस इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब हम पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 में हमें पॉइंट दिया हुआ है √2, 4√2। इसका मतलब क्या है कि पुट x इज √2 एंड y इज 4√2 इन गिवन इक्वेशन, इक्वेशन हमारी क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो x हमने क्या रखना है, √2 रखना है, माइनस 2 इंटू वाई हमने 4√2 रखना है, सो दिस इज 4। सो √2 माइनस ये हो जाता है, देखिएगा √2 माइनस 2 इंटू 4 इज 8√2 इज 4, और √2 माइनस 8√2 का मतलब क्या हो गया, दिस इज माइनस 7√2। सो माइनस 7√2 4 के बराबर तो हो नहीं सकता ना, माइनस 7√2 इज इक्वल टू 4 ये आ रहा है, लेकिन नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमें पॉइंट दिया हुआ है वो तो सॉल्यूशन है नहीं, यानी √2, 4√2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब पार्ट 4 जो कि लास्ट है इस थर्ड क्वेश्चन का, इसको हम कर लेते हैं। पॉइंट इसमें क्या क्या है, तो हमने 1 पॉइंट है, तो यानी पुट x इज टू 1 एंड y इज टू 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में रख के देख लेते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन है हमारी, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। अब 2 इंटू 1 तो 2 होता है, मीन्स 1 माइनस 2 इज 4। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस 1 इज इक्वल टू 4 ये तो हो ही नहीं सकता, माइनस 1 इज इक्वल टू 4 तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 3 कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन 4 करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू k। अगर ये सॉल्यूशन है ये पॉइंट यानी x 2 y 1, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं और x और y की वैल्यू इसमें रख लेते, हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। तो यानी देखिएगा इक्वेशन क्या है हमारी, 2x + 3y इज इक्वल टू k, और ये दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन। सो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इन गिवन इक्वेशन। अब x 2 रख लेते हैं, 2 इंटू 2 बन जाता है, प्लस 3 इंटू वाई 1 रख लेते हैं, इसका टू के। तो पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम बोडमास रूल से, तो 2 इंटू 2 इज 4, 3 इंटू 1 इज 3, सो दिस इज इक्वल टू के। तो ये आ जाता है 7 प्लस 3 इज 7, 7 इज इक्वल टू के। अब इस इक्वेशन को पलट के लिख दो, यानी के इज इक्वल टू 7, तो हमें के की वैल्यू मिल गया, के की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी, यही इसका आंसर होगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल एजुएट एजुकेशन एनी टाइम। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट, प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस।